हेलो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हाई प्रोटीन से भरपूर हेल्दी और टेस्टी सोया चंक्स करी। सोयाबीन वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी सोयाबीन की सब्जी सोया चंक्स करी। हाई प्रोटीन से भरपूर मैंने यहाँ पर एक कप सोया चंक्स लिए हैं। आप देख सकते हैं, इसे आप किसी भी किराना की दुकान से ले सकते हैं। मैंने गैस पर आधा लीटर पानी बॉईल करने के लिए रखा था। ये पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे एक चम्मच और ये सोया चंक्स डालेंगे। अब हम ये सोया चंक्स इसमें 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ये सोया चंक्स इसमें बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इस बर्तन में मैंने ठंडा पानी लिया है। ये सोया चंक्स अब हम इस ठंडे पानी में डालेंगे। ये सभी सोया चंक्स हम ठंडे पानी में डाल देंगे। इस तरह से अब हम ये सोया चंक्स निचोड़ लेंगे। निचोड़ कर हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। इस तरह से अब हम इस सोया चंक्स में आधी कटोरी गाढ़ा दही डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और एक चम्मच क्रश की हुई कसूरी मेथी डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही के बैटर में, मतलब इस दही के मसाला बैटर में इन सोया चंक्स को हम अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 इलायची डालेंगे, 7 से 8 काली मिर्च डालेंगे, 5 लौंग डालेंगे, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, थोड़ी सी जावित्री डालेंगे। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे। ये मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं। अब हम इस प्याज को ग्रिल होने देंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें 5 कली लहसुन डालेंगे, 2 इंच अदरक डालेंगे, 15 काजू डालेंगे। अब हम इस प्याज के साथ साथ इन मसालों को भी थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। अब हम इस प्याज को ग्रिल होने देंगे अच्छी तरह से।
हमें इसे पूरा ग्रिल करना है। आप देख सकते हैं ये प्याज अब बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और ठंडा होने के बाद इसकी मिक्सर ग्राइंडर में से पेस्ट बना लेंगे। मैंने इन सभी मसालों की पेस्ट बना ली है, आप देख सकते हैं। मैंने गैस पर सेम कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 से 3 तेज पत्ते डालेंगे और ये मसाला डालेंगे जो हमने अभी बनाया है। अब हम ये मसाला इसमें फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। हम इस मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये मसाला अब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये टोमेटो की प्यूरी डालेंगे। ये मैंने 2 टोमेटो की प्यूरी बनाई है। हमें इसमें बहुत ज्यादा टोमेटो यूज नहीं करना है। मैंने ये सिर्फ 2 टोमेटो की प्यूरी बनाई है। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। हींग से टेस्ट भी अच्छी आती है और डाइजेशन भी अच्छा रहता है। अब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और इन मसालों में टोमेटो की प्यूरी को अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। आप देख सकते हैं हमारे सभी मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और ये प्यूरी भी इसमें बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। हमारे सभी मसालों ने तेल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ये सोया चंक्स डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे क्योंकि हमने इसमें जो दही डाला है, मतलब ये सोया चंक्स जो दही से कोट किए हैं, इसकी वजह से ये सब्जी फट ना जाए, इसलिए हम 5 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और पानी डालेंगे। पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी थिक या थिन पसंद करते हैं उसके अनुसार थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम इसमें। हमने इसमें करीबन 2 कप पानी डाला है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोलेंगे।
हमारी सोया चंक्स करी रेडी है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के अनुसार थिक या थिन रख सकते हैं, और सिर्फ 2 मिनट में ये और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखी है। 2 मिनट में ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। अब हम सोया चंक्स करी सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट बनी है। फिर भी आप अपने अनुसार कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। अब हम इस पर हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए। हमारी हाई प्रोटीन से भरपूर सोया चंक्स करी रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही नई रेसिपीज के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।